हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और पिछले कुछ दिनों में एक चर्चा का विषय है हमारे जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में एनएमसी का एक ड्राफ्ट आया है, नेशनल मेडिकल कमीशन का 2021 का एक ड्राफ्ट आया है। और इसको लेकर के कई सारी फॉल्स जो न्यूज़ हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पर चल रही हैं, ट्विटर पर चल रही हैं, कई वीडियोज़ ही मैंने देखे उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं। फिलहाल मैं लेट हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी। जानते ही आपकी कोरोना चल रहा है और काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो इस चक्कर में मैं 1 वीक ये वीडियो लेट बना रहा हूँ। बट जो भी ये वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो एक्यूरेट इस ड्राफ्ट में क्या है। मैंने ड्राफ्ट को पूरा पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है और समझा है इस चीज़ों को, और मैंने अपने लॉयर से भी कंसल्ट किया है इस ड्राफ्ट के बारे में। तो आइए इस ड्राफ्ट को समझते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन जब से बना, तो इन्होंने कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए थे एमसीआई के बाद में, तो इनको कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने ही थे। तो इन्होंने एक ड्राफ्ट लाए, और ड्राफ्ट है क्या, ड्राफ्ट होता क्या है, एक ड्राफ्ट मतलब हम हिंदी में बोलते हैं मसौदा, कि जिसको ये चीज़ें हम आगे फ्यूचर में करने वाले हैं या इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये एक ड्राफ्ट होता है जिसके लिए कोई भी जो गवर्नमेंट बॉडी हमें बताती है, पब्लिक को एक नोटिस देती है कि ये चीज़ें हम करने वाले हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर एक्शंस को प्लान करिए। इसको कहते हैं हम एक ड्राफ्ट। तो ये अभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। मैं पहले बता दूं, जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं मुझे रशिया से, यूक्रेन से कॉल करते हैं कि सर अब हमारा क्या होगा और अब तो हम बेकार हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ड्राफ्ट आया है, इसमें आपके पास अगर ड्राफ्ट की कॉपी है तो आप इसको खोल लीजिए इस वीडियो को देखते हुए, तो बेटर आप समझ पाएंगे इस ड्राफ्ट को। स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट इन्होंने अपना टाइटल कमेंसमेंट दिया है, डेफिनेशन दी है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट क्या होते हैं, कैसे होता है। फिर उसकी थर्ड पॉइंट आप आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि पहले चली आ रही है, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश पढ़े होनी चाहिए आपको, आप ओपन बोर्ड से नहीं होने चाहिए, बिकॉज ओपन बोर्ड का भी एक मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद 3.1 जो ये लेके आए हैं, इनका एक क्लॉज है 3.1, उस पर आप देखेंगे तो ये जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट प्रायर टू एंट्री इनटू मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया प्रायर टू जॉइनिंग अ मेडिकल कॉलेज ओवरसीज। तो इसमें इन्होंने जो भी पुरानी चीज़ें हैं वही बताई है इसमें, कि टोटल 12 साल की आपकी स्कूलिंग होनी चाहिए, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। तो इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, नई चीज़ इसमें नहीं है, पुरानी चीज़ को इन्होंने रिपीट किया, जो कि एमसीआई के टाइम थी वही चीज़ को इन्होंने रिपीट किया हुआ है। 3.2 पे आते हैं। 3.2 जो है इसको, इसकी हेडलाइन पढ़िए, इसमें है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज एमबीबीएस और इट्स इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी 10th प्लस 12th की एजुकेशन भी बाहर से किए हैं और अपनी MBBS भी बाहर से किए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई अबू धाबी दुबई में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी पढ़ाई वहाँ से करते हैं और फिर चले जाते हैं यूक्रेन रशिया या इन कंट्री से पढ़ाई करने के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स की जो संख्या है बहुत कम है, और मैं बोलूँगा 1 से 2% ऐसे स्टूडेंट्स हैं। इनके लिए इसमें कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि इनको वरी करने वाले हैं, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ इसमें वरी करने वाली नहीं है। इसमें इन्होंने डाला हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ाई करें वही सेम, कि 12 साल की पढ़ाई होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसने पढ़ी होनी चाहिए, उसके बाद उसने अपने जो भी कंट्री के हैं वो वहाँ पर 10 साल की उनको परमिट चाहिए होगी। तो फिलहाल उनके लिए काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट बना रहे हैं ये चीज़। लेकिन जो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स परेशान हैं वो किसके लिए मैं बताता हूँ, वो है 3.3। 3.2 के बाद 3.3 का जो इन्होंने एक सबसे लास्ट में देखेंगे आप तो लिखा है, उसमें इन्होंने जो क्लॉजेस डाले हुए हैं ये थोड़े से परेशान करने वाले हैं फिलहाल। तो इसको आज समझते हैं कि 3.3 में इन्होंने क्या डाला है। 3.3 में इन्होंने सिंपल सी बात बताई है कि FMG अब रिप्लेस होगा नेक्स्ट पे। हमने एक वीडियो नेक्स्ट के लिए किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप वो वीडियो देखिए और समझिए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कैसा होगा। तो नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 मैंने एक्सप्लेन किया था पुराने वीडियो में भी, कि नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 करके 2 एग्ज़ाम्स होंगे, जो कि नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम अभी इम्प्लीमेंट होगा उसमें इंडियन ग्रेजुएट्स और फॉरेन ग्रेजुएट्स दोनों लोग एक ही एग्ज़ाम को देंगे, जिसके थ्रू आपको इंडिया में लाइसेंस या फिर आपको जो PG करने के लिए सीट होगी उसके थ्रू ही मिलेगी।
अब आइए इन्होंने इस पर चेंज क्या किया है। इसमें इन्होंने चेंज ये किया है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होंगे उनको नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू के अलावा एक और एग्ज़ाम ये लेंगे उनका, उसको प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल बोलेंगे। तो उनका फॉर FMGs के लिए बोल रहे हैं कि एक एग्ज़ाम और लेंगे, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। मैं अभी आज भी पढ़ रहा था तो आउटलुक इंडिया एक पोर्टल है, एक न्यूज़ पोर्टल है, उन्होंने भी लिखा है कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ये लोग, और बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। मे भी मेरे ख्याल में, मैं ये एलिगेशन लगाना चाहता हूँ कि ये मेरे ख्याल में, जो मैं समझ पा रहा हूँ अब तक, कि NMC या तो प्राइवेट कॉलेज के प्रेशर में ये जो ड्राफ्ट है इसमें लिखी है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस कभी नहीं चाहेंगे इंडिया के कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इंडिया में एडमिशन लेते हैं 1 करोड़ रुपए दे करके वो अपनी MBBS कंप्लीट करते हैं, और वही बच्चे जो रशिया से या यूक्रेन से या जो इन कंट्रीज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं 25-30 लाख रुपए में, वो दोनों एक लेवल पे आ जाएं, एक सिंपल एग्ज़ाम दे। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस के प्रेशर में कहीं ना कहीं ये जो मुझे 3.3 वाला जो क्लॉज है ये मुझे इनके प्रेशर में लग रहा है, जो कि ये इम्प्लीमेंट अगर करते भी हैं तो ये कोर्ट में हम जाकर के इसको रिट पटिशन के थ्रू इसको हम क्वैश करा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत ही ड्रैकोनियन बोलूँ तो इसमें रूल इन्होंने लाया हुआ है, इसमें बोला है कि 2 साल के अंदर आपको ये एग्ज़ाम कंप्लीट करना होगा, जो कि ये भी जस्टिफाइड नहीं है। पहले जो MCI का जो रूलिंग थी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, उसमें ये था, साफ साफ लिखा था कि आपको नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स इसमें नहीं है और कोई भी टाइम ड्यूरेशन आपको नहीं दिया गया था, यू जस्ट हैड टू सिट और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था 50% मार्क्स के लिए। तो ये 2 साल का जो ये रूल है ये भी इनका जस्टिफाइड नहीं। जस्टिफाइड तब होगा, मैं बताता हूँ जस्टिफाइड तब होगा, NMC वाले भी बात सुन लें, ये जस्टिफाइड तब होगा जब आप इंडिया वाले स्टूडेंट्स को भी आप बोलो कि आपको भी 2 साल में नेक्स्ट निकालना है, और फॉरेन वालों को बोलो कि आपको भी 2 साल में नेक्स्ट निकालना है, तब हमारे लोग सेम लेवल पे आएंगे। बिकॉज हम जितने भी इंडियंस के पास एक राइट है, एक रूल से हम चलते हैं, मतलब के लिए किसी के लिए अलग रूल, किसी के लिए अलग रूल नहीं हो सकता। तो ये एक पॉइंट है जो कि जस्टिफाइड नहीं है। तो ये 3.3 का जो पॉइंट है इसको आप परेशान मत होइए, ये भी ड्राफ्ट है, ये इम्प्लीमेंटेशन में अगर आता है, वैसे तो ये आएगा नहीं, अगर ये आता है तो इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर सकते हैं, काफ़ी जो ग्रुप्स हैं बने हुए हैं इस टाइम पे, YouTube वीडियोस भी हैं, Twitter पे भी ट्रेंड्स करा रहे हैं लोग, तो आप अपनी क्वेरी को NMC की, जो मैं आपको मेल ड्रॉप कर दूंगा, NMC PMO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इस 3.3 को क्वैश कराने के लिए आप मेल डालिए, ट्विटर पे रिएक्ट करिए, जितना ज़्यादा वोकल आप हो सकते हैं अपने राइट्स के लिए। देखिए ये आपके लिए है, अकेले मुझसे करने से या जो बाकी यूट्यूबर्स हैं उनके करने से नहीं होगा। इंडिया में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है FMGs की, सिर्फ अगर एक कंट्री यूक्रेन की बात करूँ तो 25,000 स्टूडेंट्स या 20,000 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे, रशिया में 15,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, चाइना में कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक अच्छी स्ट्रेंथ है आप लोगों की, अगर आप एक साथ इसको आवाज़ को उठाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि NMC इसको इम्प्लीमेंट कर भी पाएगा, मेरे ख्याल में इसको वापस क्वैश कर लेगा। तो इसमें कोई भी परेशान मत होइए आप लोग, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लॉयर से भी कंसल्ट किया है और इस चीज़ को मतलब आप बिल्कुल ऐसे मत बोलिए, बिकॉज जब NMC आया था तो इन्होंने पार्लियामेंट में भी खड़े होकर कहा था कि ये NMC जो हम ला रहे हैं इसीलिए ला रहे हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराएंगे और ये सबको एक लेवल पर लेके आएगा। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि एक लेवल पर आप नहीं आ पाओगे, FMGs को लिए एक अलग पेपर देना पड़ेगा, तो ये जस्टिफाई ये नहीं कर पाएंगे, कहीं भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये प्राइवेट कॉलेज के प्रेशर में ये काम किया गया है और ये एक टेस्ट कर रहे हैं कि अगर इस पर कोई हो हल्ला नहीं होगा तो ये इसको धीरे से इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो वैसे भी इंडिया को इस टाइम आप जानते हैं कि क्या हालत चल रही है हमारे यहाँ पर, किसी भी हॉस्पिटल में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। ऐसे में अगर आप जो बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं हमारे इंडिया में सर्व करने के लिए, उनके लिए अगर ऐसे ऐसे लॉज लाओगे तो ये आपका माइंडसेट दिखाता है कि आपको या तो डॉक्टर्स नहीं चाहिए, या आपको अपना हेल्थ सिस्टम नहीं अच्छा करना है, या फिर अगर आपको कुछ एक अच्छा कदम उठाना है तो ऐसे लॉज आप मत लेके आइए। बहुत उम्मीद से गवर्नमेंट को लेके आते हैं हम लोग, हर बार वोट देते हैं, तो ऐसे लॉज नहीं लाने चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि आपने ऐसे लॉज लाए क्यों। जो सेक्रेटरी हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के, उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप ये क्या सोच करके आपने ये जो 3.3 क्लॉज है क्या सोचा आपने, इसमें क्या, इसको बेनिफिट किसको होगा। हर एक चीज़ का बेनिफिशियरी होता है ना, तो हमारी कंट्री इससे बेनिफिट होगी ना, तो हमारे डॉक्टर्स इससे बेनिफिट होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, एक एक डॉक्टर 200 मरीज 300 मरीज देख रहा है। तो अगर डॉक्टर्स और आएंगे हमारे यहाँ पर तो उस पर तो स्ट्रेस ख़त्म होगा ना। तो इससे जो बेनिफिट है वो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ मुझे जहाँ तक लगता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो नीट की कोचिंग कराते हैं, कोटा में बहुत बड़ा एक हब चलता है, इनका ही होगा। बिकॉज बच्चे बाहर जाने से डरेंगे, अगर ऐसे लॉस हो जाएंगे तो बच्चे तो बाहर जाने से डरेंगे और फिर वो यहीं पर रिपीट करते रहेंगे। जिनके पास पैसे होंगे वो प्राइवेट में चले जाएंगे, जिनके पास नहीं होंगे वो 5 साल 4 साल 5 साल आपको लग जाएगा मेरिट लिस्ट में आने को गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए।
तो इसका बेनिफिशियरी तो मुझे यही दो लगते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं सर, उनको भी सोचना चाहिए था ऐसा कि ऐसे रूल्स ना लेके आए, वो भी ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे हम पैंडेमिक से जा रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि किस माइंडसेट में ये काम किया गया। फिलहाल आप लोग परेशान मत होइए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जो इंटर्न्स हैं इस टाइम पे, जो कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, वो प्लीज़ ध्यान से अपनी ड्यूटी करें, और आप देश की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो स्टूडेंट्स हैं जो वापस इंडिया में अभी आए हैं, प्लीज़ अपने घर पे रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ऑनलाइन मोड में पढ़िए, बाहर मत निकलिए जब तक कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपको अर्जेंसी ना हो, बाहर मत जाइए। सिचुएशन बहुत ख़राब है अभी, और ये 15-20 डेज़ और चलेगा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मास्क पहनिए और दूसरों की मदद करिए, जहाँ जहाँ तक हो सके प्लाज्मा डोनेट करिए। अगर आपके पास फाइनेंशियली ठीक हैं आप, तो दूसरों की, किसी एनजीओ की, किसी की मदद करिए, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए उनकी मदद करिए, जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनके मोरल बूस्टअप करते रहिए, और इस पेंडेमिक से भी हम जीत जाएंगे। ओके, थैंक यू।